मेडिटेशन हॉल, साइलेंस प्लीज। देखिए गाइस, बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और यहाँ से नॉन स्टॉप पानी आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रज्जाक ब्लॉग्स। गाइस, आज मनाली में है मेरा दूसरा दिन। ओके, तो आज हम मनाली में मनाली का पूरा साइट सीन जाने वाले हैं। मनाली पूरा, मनाली लोकल एरिया पूरा घूमने वाले हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, हमारे अंकुश भाई साहब, वो नीचे वेट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आज का हमारा प्लान है मनाली का पूरा लोकल जो एरिया है वो सब घूमेंगे, और हम तो घूमेंगे साथ में आप लोगों को भी घुमाएंगे। आप लोग वीडियो में देखोगे कहाँ कहाँ हम लोग विजिट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितने। अभी तक तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मनाली में। अच्छा खासा चिल वेदर है, इतना ज़्यादा गर्मी से कोलकाता से जो हम लोग आए, दिल्ली, दिल्ली में भी गर्मी था, दिल्ली से जो पूरा बाई रोड हम लोग आए, लंबा एक सफ़र तय करने के बाद आज अभी हम लोगों लंबा रेस्ट करने के बाद बहुत सुकून मिल रहा है। अभी घूमते हैं यहाँ पे लोकल पूरा जगह और आप लोगों को दिखाते हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, और चैनल में जो नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। मनाली, कुल्लू, शिमला, फिर दिल्ली, बहुत जगह विजिट करने वाले हैं गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने जैसे जैसे वीडियो डालता रहूँगा आप लोग देखते रहोगे। ओके गाइस, तो चलते हैं, आज मनाली का सफ़र स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज अभी जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलेंगे मनाली टूर के लिए। तो ब्रेकफास्ट भी मुझे होटल की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरे प्लान जो है प्लान के साथ इंक्लूडेड है वो ब्रेकफास्ट, मेरा जो टूर पैकेज है उसके साथ ही। तो ब्रेकफास्ट करके इसी होटल में उसके बाद हम लोग निकलेंगे मनाली टूर के लिए। ओके गाइस, तो देखिए नाश्ता करने आ गए हम। नाश्ता में क्या क्या लिया देख लीजिए, थोड़ा सा दही लिया है, खट्टा दही, उसमें थोड़ा चीनी डाल लिया, कॉफ़ी ले लिया है, ब्रेड बटर ले लिया है टोस्ट करके, थोड़ा फ्रूट्स ले लिया है, वाटरमेलन, दो एग ले लिया है बॉयल एग, और थोड़ा कॉर्नफ्लेक्स ले लिया है। गाड़ी लगा हुआ है स्विफ्ट डिज़ायर, यही गाड़ी में हम लोग कल आए थे दिल्ली से मनाली। अभी यही गाड़ी में हम लोग पूरा साइट सीन वगैरह देखेंगे मनाली का। अंकुश भाई सब भी आ चुके हैं अपना। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मनाली घूमने के लिए। और अंकुश भाई सब कैसे हैं? बस बढ़िया। हाँ, कहाँ कहाँ आज का प्लान है हमारा? आज जाएंगे, पहले हम एक क्लब हाउस है, मतलब शॉपिंग की दुकान वगैरह बनी हुई है, उसके साथ एक पानी की रिवर है काफी बड़ी, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो, थोड़ा पानी के साथ खेल सकते हो, ये वो है, और कुछ एक्टिविटी है वहाँ पे, क्लब हाउस। हाँ, उसके बाद जाएंगे, पहले क्लब हाउस। ओके, उसके बाद जाएंगे हडिम्बा देवी टेम्पल। हडिम्बा देवी टेम्पल, हाँ ये वो मैंने नाम बहुत सुना। हाँ, ये बहुत फेमस है, पांडवों के टाइम का टेम्पल है, मतलब हडिम्बा देवी टेम्पल। हाँ, और ये माता जो है मतलब सच्ची मानी हुई माता है। जी जी, हाँ ये मैंने बहुत सुना है, बहुत फेमस टेम्पल है। हाँ, उसके साथ उसके बेटे का टेम्पल है घटोत्कच, और ये काफी पुराने टेम्पल है, मतलब लकड़ी के बने हुए हैं, इनको काफी टाइम से मतलब ऐसे रखा हुआ है बनाते हैं। और उसके बाद जाएंगे हम क्या बोलते हैं मॉल रोड के ऊपर, मॉल रोड। हाँ, वहाँ पे शॉपिंग के लिए दुकानें, लंच वगैरह, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं अपना चले जाएंगे हम वहाँ पे तीन टेम्पल, एक नेपाल के लोग, हाँ नेपाल के लोगों का, वो मैं गैंगटॉक भी गया था, वहाँ पे टेम्पल टेम्पल बहुत सारा था। बगल में एक है वन विहार, मतलब ऐसे टहलने के लिए बना हुआ है वन विहार। हाँ, फिर उसके बाद कुछ टाइम बचा तो हम जाएंगे कि वशिष्ठ टेम्पल, वो वशिष्ठ मुनि का टेम्पल है। ओके, और वहाँ पे गर्म पानी निकलता है। ओके, मतलब कितना भी ठंडा हो वहाँ पे गर्म पानी, गर्म पानी रहेगा, चाहे बर्फ पड़े चाहे कुछ हो जाए, गर्म पानी रहेगा। वो जगह भी जाने की कोशिश, नहा सकते हो आप, चार पांच जगह हम लोग घूमेंगे पूरा। हाँ, चार पांच जगह घूमेंगे। तो गाइस, लंबा प्लान है आज का। अंकुश भाई ने बताया अभी हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले, वीडियो पूरा देखिए आप लोग, आप लोग भी देखोगे कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे, कहाँ कहाँ घूम रहे। ओके गाइस, चलिए आज का सफर हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। Brandon,
देवगढ़ है ना, देवगढ़ देवदार देवदार के पेड़ गाइस, ये जो देख रहे बड़े बड़े गाँच लगा हुआ है इसका, बता रहे हैं अंकुश भाई की 150 साल तक का मतलब खराब नहीं होता है। इतने सब होटल वगैरह में इनका यही पेड़ का लकड़ी यूज होता है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग, ड्राइवर भाई हमको यहाँ उतार दे, यहाँ पे है आगे में हजिम्बा देवी टेम्पल, और भी कोई टेम्पल नाम बोले मुझे याद नहीं है, जाके देखते हैं कौन सा टेम्पल है। यहाँ पे देखिए गाइस पहाड़ी याक भी है। नहीं नहीं मैडम वॉक करके जाएगी, वो पहाड़ी वाल जो याक लेके घूम रहे हो बोले उसमें बैठ ये मंदिर तक लेके जाएंगे, वॉक करके ही चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप वगैरह भी है। ठीक है गाइस, लोगों का भीड़ देखिए, सारे के सारे टूरिस्ट है, सब मेरे जैसे घूमने ही आए हैं यहाँ पे, टेम्पल विजिट करने आए हैं, हजिम्बा देवी टेम्पल। यहाँ पे और भी याक है दो तीन। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने का भी है, वो देखिए उसमें भी जाने का है। और यहाँ पे जिप लाइन भी है, जिप लाइन भी है। कितना दूर से कितना दूर तक का है? 200 मीटर जाना है। 200 मीटर तक का जिप लाइन कर सकते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं जिप लाइन करने का ट्राई करते हैं कैसा होता है, कैसा लगता है, जिप लाइन करते हैं। सो गाइस अभी जिप लाइन करने जाने वाले हैं। ओके, यहाँ हजिम्बा देवी टेम्पल के पास यहाँ पे जिप लाइन है, 200 रुपया चार्ज है, तो जिप लाइन करने जाने वाले हैं। देखते हैं कैसा लगता है, आप लोग देखो। ओके, यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। ये देखिए ये भाई साहब पूरा मुझे रेडी कर दे रहे हैं जिप लाइन के लिए। ये देखिए गाइस जिप लाइन के लिए पूरा रेडी हो चुके हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है, वहाँ तक का जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, बट एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस करते हैं। अभी और ऊपर जाना पड़ेगा जिप लाइन के लिए, चलते हैं। आप लोग देखिए, देखिए भाई पूरा गाइड कर रहे हैं हमें। चलिए ये अपना गाइस, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, ज्यादा डर नहीं लग रहा है। चलो मैं चला जिप लाइन, ये भी अलग एक्सपीरियंस है। एक अलग एक्सपीरियंस है, अलग मजा है गाइस। मैंने एक राउंड जिप लाइन ऑलरेडी कर लिया हजिम्बा देवी टेम्पल यहाँ पे, भाई मुझे एक राउंड और फ्री दे रहे हैं सेम प्राइस में 200 में। आपका नाम क्या भाई? सूर्या। सूर्या भाई, तो हजिम्बा देवी टेम्पल अगर कोई आ रहे हो तो सूर्या भाई के पास आना जरूर, जिप लाइन करा रहे सूर्या भाई, बहुत अच्छा लगा, एक राउंड मुझे फ्री जिप लाइन दे रहे हैं। ओके, तो सूर्या भाई के पास जरूर आना गाइस, थैंक यू सूर्या भाई। चलिए एक राउंड और मैं जिप लाइन करने वाला हूँ गाइस, देखो गाइस मस्त एक्सपीरियंस था जिप लाइन का, 200 लिया बट पैसा वसूल है जिप लाइन का। अभी चलते हैं वन विहार और हजिम्बा देवी टेम्पल, आगे में जाना पड़ेगा, चलते हैं देखते हैं क्या है। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए गेम वगैरह भी है, बड़े लोग भी खेल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा ऊपर, वन विहार और हजिम्बा देवी टेम्पल है यहाँ पे, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, वन विहार डूंगरी, यहाँ पे स्वेटर वगैरह भी बिक रहा है। चलो ये देखो आंटी खरगोश लेके बैठी हुई है, चलो गाइस चलते हैं हजिम्बा देवी टेम्पल। व्यू देखो गाइस, यहाँ का व्यू देखो, मस्त व्यू है, बहुत सारा पेड़ वगैरह है, ग्रीन पूरा है, छोटा सा पहाड़ चट्टान का टाइप का है, मस्त व्यू है। ये देखो यहाँ पे मस्त बजा रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहन के भी वीडियोस फोटोज ले सकते हो।
₹100 करके चार्जेस है इसका पर हेड। ये देखो ये हिडिंबा देवी टेम्पल जाने का ये लाइन देखो, अपरे बाप लाइन तो बहुत लंबा है। हिडिंबा देवी टेम्पल के पास ही यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत सारा राइड वगैरह है आगे में, ये देखिए। और टेम्पल में तो लाइन बहुत ज़्यादा है गाइस, सॉरी अंदर जा नहीं जा पाएंगे, आप लोगों को बाहर बाहर से ही दिखा देते हैं। ये लाइन को अगर हम लगाएं तो कम से कम मेरा 2 घंटा यही जाएगा, मुझे दूसरा जगह भी विजिट करना है तो इसलिए अंदर नहीं जा पाएंगे। आप लोग बाहर से ही देख लो मंदिर। ओके मंदिर का आपको पूरा फ्रंट साइड से भी दिखा देते हैं, यही है कुछ। और दूसरा बात ये है अंदर हम जाके फोटोग्राफी ले भी ले सकते हैं, फोटोग्राफी इस प्रोहिबिटेड फोटो लेना मना है, तो अंदर जाके भी मेरा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बेटर है आप लोग बाहर से ही टेंपल को देखो। जो इधर आओगे जिनको प्रसाद वगैरह चढ़ाना होगा तो अंदर जाके लाइन लगा के चढ़ा सकते हो। यहाँ पे प्रसाद वगैरह सब बिक रहा है, नारियल वगैरह प्रसाद वगैरह, जो प्रसाद वगैरह चढ़ाना चाहते हो यहाँ से खरीद के सीधा आके हिडिंबा देवी टेम्पल में प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हो। और अंदर में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए और हम अंदर भी नहीं जा रहे हैं, लाइन भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग बाहर से ही देख लो हिडिंबा देवी टेम्पल। उसके बाद दूसरा जगह भी जाना है और ये जगह का नाम वन विहार भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी ये गांच लगा हुआ है, जो गांच 150 साल तक का ये लकड़ी ख़राब नहीं होता है, हमारे अंकुर भाई साहब ड्राइवर जो है वो बताया मुझे। देखिए गाइस यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहन के फ़ोटो भी उठा सकते हैं, उसका सब चार्जेबल है ये देखिए। और यहाँ पे खाने वगैरह भी सब बिक रहा है। और ये देखिए आगे में है डूंगरी वन विहार, वहाँ पे भी जाते हैं देखते क्या है। गाइस अभी चलते हैं डूंगरी वन विहार में। ओके यहाँ पे जाने के लिए टिकट है, कितना प्राइस है भाई? टिकट फॉर अडल्ट 10 रुपीज़ ओनली, तो चलिए टिकट कटा के चलते हैं वन विहार में। सो गाइस देखिए वन विहार में आप लोगों को मिल जाएगा छोटे छोटे ऐसे राइड्स जिनमें बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हो। ओके और ऊपर चलते हैं देखते हैं क्या। सो गाइस अभी तक मैंने मनाली का हिडिंबा देवी टेम्पल और वन विहार कवर कर लिया ऑलरेडी, अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ओके वहाँ पे जाके आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है नहीं है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है क्लब हाउस, ये जगह का नाम है क्लब हाउस रोड। यहाँ पे ऐसे कुछ खास नहीं है, ये जगह में मार्केट वगैरह है बहुत सारा और मेन है यहाँ का एक रिवर जो अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। यहाँ पे जिपलाइन वगैरह भी हो रहा है, जिपलाइन वगैरह है और ये मेन है यहाँ पर ये रिवर ये देखने का है यहाँ पे, और यहाँ पे जिपलाइन वगैरह भी हो रहा है, रिवर का मज़ा ले सकते हैं। अभी नीचे भी जाएंगे यहाँ पे, ये जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, क्लब हाउस एरिया है ये। ये देखिए गाइस यहाँ से उतरने का जगह है और यहाँ पे है जिपलाइन करने के लिए जो पानी के बीच में रोक देगा थोड़ा देर के लिए, उसके बाद जूता वगैरह मुझे सब खोलना पड़ेगा ये जिपलाइन करने के लिए। ये जगह मस्त है। तो गाइस अभी जिपलाइन करने वाले भाई साहब, जिपलाइन का कितना चार्जेस है? ₹150 पर पर्सन है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। मोहन जी ये क्लब हाउस जो भी आओ तो मोहन जी के पास जरूर आओ जिपलाइन करने के लिए। अभी हम जाने वाले हैं मोहन जी के पास जिपलाइन करने के लिए। ओके गाइस रेडी है जाने के लिए।
बर्फ का पानी है, पाँव पूरा अकड़ गया है, बहुत ठंडा पानी है, बट मज़ा बहुत आया है, बहुत मज़ा आया है यहाँ पे आके। वैसा बस उसके पास जो रिवर है यहीं पे अभी हम लोग अपना लंच कंप्लीट कर लेते हैं। यहीं पे ऑर्डर किए, एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, नूडल्स वगैरह मोमोज वगैरह ऑर्डर किए हैं, वहाँ पे लंच करके फिर आगे का सफ़र जारी करेंगे। तो भूख लग गया, ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है, तो अभी तक का 3 जगह हम लोग विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसके बाद आगे जाते देखते कहाँ जाना है। चिली गार्लिक नूडल्स आ गया हमारा, और मोमो ऑर्डर किए हैं, और लेमन सोडा ऑर्डर किए थे, तो ये खा के उसके बाद निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। गाइस क्लब हाउस के पास जो रिवर है ये भी घूमना हो गया, और क्लब हाउस के पास ये सारा यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत सारा होटल वगैरह है, और भी ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन ये जगह फेमस है रिवर के लिए, यहाँ पे आके आप लोग जिप लाइन वगैरह कर सकते हो, बहुत सारे फन एक्टिविटी कर सकते हो, रील वगैरह बना सकते हो, बहुत ही अच्छा जगह है। अभी जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे देखते हैं। ओके गाइस जाएंगे माल रोड की तरफ मार्केट, वहाँ पे एक तीन टेंपल है, और आपका क्या बोलते हैं बनविहार का पार्क है, उसमें बोटिंग वगैरह ऐसे है पाँव से चलाने वाली। अच्छा अच्छा। और बाकी मार्केट है पूरी माल रोड की, आप लंच कर सकते हो जो करते हैं। लंच तो यहाँ हो गया हमारा, हो गया तो लंच हो गया, मॉल रोड के पास जाते हैं अभी, मॉल रोड घूमेंगे वगैरह है। तो गाइस देखते रहिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, वहाँ पे तिब्बतन मॉनेस्ट्री करके कुछ है और मॉल रोड वगैरह है। सो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं क्लब हाउस के पास से, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन मॉल रोड। गाइस अभी हम लोग वन विहार में हैं, मॉल रोड का ये वन विहार है यहाँ पे, और यहाँ पे एक छोटा सा भाई अपना फायर पान बेच रहा है, तो फायर पान खाते हैं उसके बाद वन विहार में इंटर करते हैं, फिर वह आगे मॉल रोड वगैरह भी घूमेंगे और तिब्बतन टेम्पल वगैरह जो है मॉनेस्ट्री वगैरह वो भी देखेंगे। तो भाई अभी फायर पान खिलाने वाला है, देखिए आप लोग, चलो भाई फायर करके खिला दो जल्दी से। क्या नाम है तुम्हारा? अर्शित। ये रहा फायर पान, मुंह बड़ा खोलने बोला गया, आप थोड़ी तो और अंदर हो जाएगा। चलो यार कितना है, गरम लगा क्या? नहीं लगा ना, थैंक यू जबरदस्त का। तो गाइस ये रहा वन विहार मनाली, ठीक है, HP वाइल्ड लाइफ विंग वाइल्ड लाइफ डिवीजन कुल्लू ऐसा कुछ है, और ये है टिकट काउंटर, अडल्ट का 50 रुपीज़ का टिकट है, बच्चों के चिल्ड्रन जो है बिलो 8 ईयर्स 20 रुपीज़ है। तो चलते हैं टिकट कटाते के अंदर जाते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वन विहार के अंदर, ये एक पार्क है बहुत ही खूबसूरत सा, मॉल रोड के पास ही है ये पार्क। ये देखिए यहाँ पे आगे में बोटिंग करने का है, सोवेनियर शॉप है, रिफ्रेशिंग पॉइंट है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन एरिया है, ड्रिंकिंग वाटर है, और यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है ये साइड में है स्प्रिंग जोन, मदर ट्री पॉइंट, मेडिटेशन पॉइंट, आउटडोर जिम एंड वॉशरूम, सब एरो बना हुआ है कहाँ पे क्या है देख सकते हो। तो लेट्स गो अंदर चलते हैं। ये देखो गाइस पार्क के अंदर झूला वगैरह भी है जहाँ पे आके चिल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बच्चे लोग भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं झूलते बच्चे लोग लाइन में हैं। चलिए हम उतर जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थैंक यू, आ जाओ। गाइस अभी ये यहाँ का जो ड्रेस है हिमाचल प्रदेश का, वो ड्रेस हम लोग पहनने वाले हैं, 100 रुपीज़ करके पर हेड ड्रेस पहन के घूमेंगे आराम से वन विहार के अंदर, चलिए ड्रेस पहनते हैं। सो गाइस अब मेरी बारी है हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने का, आंटी जी हमको अच्छे से पहना रही हैं। अभी चल रहे हैं अंडर प्रोसेस है ड्रेस पहनना, कैसा लग रहे हैं हम, ये देखो कुल्लू कैप, कुल्लू के कैप, कुल्लू की कैप।
गाइस कैसा लग रहा है कि मेरा ये ड्रेसअप कमेंट करके बताओ। देखो गाइस अब चलते हैं नीचे, यहाँ से नीचे जाके वहाँ पे आगे में बोटिंग वगैरह है। ये देखिए बहुत सारे लोग बोटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जाते हैं बोटिंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश का ट्रेडिशनल ड्रेस हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया, वो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज है। अभी चलते हैं बोटिंग करते हैं, देखते हैं कितना क्या चार्जेस है। गाइस यहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रहा है, आगे में है टिकट काउंटर, 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो जाते हैं टिकट कटा के बोटिंग करते हैं। हमारा हुआ बोटिंग स्टार्ट, ये देखो गाइस मज़ा आ रहा है बोटिंग करने में। बोटिंग भी हुआ डन, अब चलते हैं सीधा टिबेटन मॉनेस्ट्री में, जो टिबेटन लोगों का मॉनेस्ट्री है, मंदिर है, वहाँ पे चलते हैं और मॉल रोड वगैरह देखते हैं क्या है नहीं है वहाँ पे। ये देखिए गाइस ये है मनाली का मॉल रोड, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, सारे टूरिस्ट लोग ही है ज़्यादातर चारों तरफ। और यहाँ पे आगे में शॉप्स वगैरह बहुत है, स्वेटर वगैरह जैकेट वगैरह यहाँ पे सब है, रेस्टोरेंट वगैरह बहुत है। फ्री टाइम में यहाँ जाके शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। दुर्गा माता का मंदिर है ये छोटा सा, बहुत ही खूबसूरत सा। और यहाँ पे एक भाई साहब वो घर आजा परदेसी वही गाना बजा रहे हैं। देखिए मॉल रोड में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टैचू भी है और इंडिया का बहुत ही बड़ा फ्लैग भी है। यहाँ पे सारे लोग फोटोज वीडियोज बनाने के लिए यहाँ लाइन लगाए हुए हैं। गाइस मॉल रोड से उतरते ही सामने में यहाँ पे था अपना वन विहार पार्क, और यहाँ पे है वन विहार से निकल के और मॉल रोड के सामने ही लेफ्ट जाने से मॉनेस्ट्री, यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा मॉनेस्ट्री के लिए, तिब्बतन मॉनेस्ट्री। तो अब चलते हैं मॉनेस्ट्री के लिए। तो ये देखिए गाइस यहाँ से है मॉनेस्ट्री का एंट्री, चलिए अंदर एंटर करते हैं। बुद्धिस्ट लोगों का पवित्र जगह है ये, बुद्धिस्ट लोगों का ये मंदिर है, मॉन्क इनको कहते हैं। ये देखिए गाइस हिमालयन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, यहाँ पे फोटोग्राफी फीस है 20 रुपीस, फोटो वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये मॉनेस्ट्री के अंदर इंटर किया, ये देखिए अंदर में कुछ ऐसा है, डू नॉट टच एनीथिंग, कुछ भी छूना वगैरह नहीं है। ये देखिए दलाई लामा का ये यहाँ पिक्चर भी है, फोटो है, बहुत ही फेमस शख्स हैं ये दलाई लामा, मॉन्ग लोग इनको बहुत मानते हैं। ये देखिए बहुत लोग यहाँ पे पैसा वगैरह भी दान करके गए हैं। गाइस अब इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर में भी देखते हैं क्या है। मेडिटेशन हॉल, साइलेंस प्लीज। देखिए गाइस तो गाइस हम भी मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर जाके फोटोज वीडियोस बनाना है अगर तो 20 रुपीज़ चार्ज है, बाकी अंदर जाने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। ओके 20 रुपीज़ पे करके फोटोज वीडियो जो भी बनाइए, आज के डेट में सभी फोटोज वीडियो लेते हैं, समझ लिए 20 रुपीज़ एंट्री फीस ही है, 20 रुपीज़ दीजिए और जितने जाके फोटो वीडियो बनाना है बनाइए।
कहाँ जाने वाले हैं? अभी जाएंगे वशिष्ठ टेम्पल, भोजन सुबह में गर्म पानी वाला। गर्म पानी वाला वशिष्ठ टेम्पल ना। तो गाइस अभी वशिष्ठ टेम्पल जाने वाले हम लोग, जहाँ पे नेचुरली गर्म पानी आता है बारह महीना, जितना भी ठंडा हो जाए, बर्फ हो जाए, जो भी जाए, बट वहाँ पे गर्म पानी रहता है। ऐसा पानी रहता है जो उसमें नहा भी सकते हैं आदमी, और हम ये भी सुने कि वो पानी से नहाने से जो स्किन का बहुत सारा जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, सुना है और वीडियोस वगैरह में देखा है। तो जाते हैं, खुद से जाके देखते हैं क्या है नहीं है वहाँ पे। वहाँ हम लोग जाने वाले क्या? हमारे ड्राइवर भाई साहब उनको यहीं उतार दिए हैं, बताया कि आगे में चलते जाइए, आगे में जहाँ रोड ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे है वशिष्ठ टेम्पल, यहाँ पे गर्म पानी मिलेगा। चलते हैं, देखते हैं। हम लोग थोड़ा वॉक कर रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल के लिए। यहाँ से व्यू देखो, टेम्पल जाते जाते हमको एक अच्छा सा जगह दिखा जहाँ से व्यू बहुत मस्त दिख रहा है, ज़बरदस्त व्यू पहाड़ों का। फाइनली मंदिर पहुंच गए हैं, और मंदिर में जाने के लिए यहाँ पे शू उतारना पड़ेगा आगे में, यहाँ पे जाते हैं शू वगैरह उतार के फिर मंदिर में जाते हैं अंदर। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर, ये देखिए आप लोगों को हम अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे है शिव मंदिर, यहाँ पे भी मंदिर है, यहाँ पे है राम मंदिर, राम टेंपल। चलिए ऊपर भी जाके आप लोग हम दिखा देते हैं राम टेंपल। ये देखिए बहुत सारे लोग फोटोज वीडियोज यहाँ पे ले रहे हैं मंदिर के पास, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है गाइस, राम मंदिर। ये देखिए एक पुजारी भी है अंदर, लेडी है। ये देखिए गाइस यहाँ पे है जहाँ पे गर्म पानी आता है, और यही है इसमें। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आप लोगों। ये देखिए यही है, यही है जहाँ से गर्म पानी वगैरह आता है, लोग नहा भी सकते हैं यहाँ पे आके। और बहुत लोगों का मान्यता है कि ये पानी से नहाने से बहुत सारे चर्म रोग जो स्किन का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है, स्किन वगैरह जो एलर्जी वगैरह रहता है से ठीक हो जाता है यहाँ पानी से नहाने से। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं, चलिए पानी को टच करके देखते हैं सच में गर्म है भी कि नहीं, सामने से जाते हैं और देखते हैं। लोग नहा रहे हैं और यहाँ से नॉन स्टॉप पानी आ रहा है। हॉट एयर बलून, तो गाइस मनाली का पूरा साइट सीन वगैरह घूम के आ गए, मनाली लोकल में जितना साइट सीन है सब घूम के आ गए, और आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर किया जहाँ जहाँ हम लोग घूमने गए। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डेस्टिनेशन था आज का हमारा, बहुत मज़ा आया मनाली में, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। कल भी बहुत जगह जाना है मनाली का, फेमस जो है रोहतांग पास वगैरह, अटल टनल, कल आइस वगैरह जहाँ पे है वहाँ भी जाने वाले हैं। तो कल और भी सुबह सुबह निकलना पड़ेगा जाने के लिए, क्योंकि लंबा सफ़र है पहाड़ में, बहुत ऊपर तक का जाना है। तो आज मनाली का पूरा लोकल साइट सीन जितना है सब कुछ घूम लिए, मज़ा से घूमे और आप लोगों के साथ शेयर किए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो मेरे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे इनकरेज होगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग एक छोटा सा कमेंट छोटा सा लाइक से थोड़ा इनकरेज होगा मुझे, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊंगा गाइस। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।